राज 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 बेटा बेटा कहिए कैसे हैं आप? अब ठीक हूं। 12 साल के बाद तुम इस घर में लौटे। 12 बरस के बाद लौटा जरूर हूं, लेकिन घर नहीं। क्या मतलब? क्या ये तुम्हारा घर नहीं? इतनी बड़ी इमारत, कीमती साजो सामान, आपके लिए घर हो सकता है, मेरे लिए किसी जेल खाने से कम नहीं। मेरा दम घुटता है यहाँ। ये क्यों? इस घर में किस बात की कमी है? धन दौलत सभी कुछ तो है। धन दौलत की कमी इस घर में नहीं, लेकिन कमी है तो सिर्फ लक्ष्मी की, मेरी माँ की, जिसे 12 बरस पहले आपके बर्ताव ने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो अब तक तुम अपनी माँ को नहीं भूले? जिंदगी भर नहीं भूल सकता पिताजी, वो मेरी माँ ही नहीं थी, मेरी मित्र भी थी। और मैं भी तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं बेटा। मैंने तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें यहां बुलाया है और सरबारिन की बेटी के साथ तुम्हारी शादी तय की है। शादी तो मेरी हो चुकी है पिताजी, और एक बच्चे का बाप भी बन चुका हूं। ओह, तो ये सच है कि तुमने एक आवारा भिखारिन से शादी की है? पिताजी, अगर आप मेरी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार भी आपको नहीं। अधिकार? तुम मुझे अधिकार देने वाले कौन होते हो? सुनो, ये मेरा हुक्म है कि तुम्हें सरबारिन की बेटी से शादी करनी हो। हुक्म देने का रिश्ता तो आज से 12 बरस पहले आप तोड़ चुके पिताजी। तो कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी वसीयत में एक फूटी कौड़ी भी तुम्हारे लिए नहीं रखी। ये वादा रहे, धमकी नहीं। अगर धमकी हुई तो मुझे अफसोस होगा। और आपकी जायदाद आपको मुबारक हो पिताजी, हमारी ये आखिरी मुलाकात है। राज,